नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश किया गया। आम बजट 2020 और 21 को लेकर नागरिकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए देखते हैं। भारतीय संसद में आम बजट 2020-21 की शुरुआत हुई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने सेहत, खुशहाली, संपन्नता सबसे अहम होगा, साथ ही करदाताओं को तंग नहीं किया जाएगा, ऐसी जानकारी आम बजट पेश करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने दी। अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए साझा टेस्ट, करदाताओं का तंग नहीं किया जाएगा, 20 लाख किसानों को सौर पंप लगाने में मदद होगा, साथ ही बीते साल 60 लाख से ज्यादा नए करदाता जुड़े हैं, टैक्सदाता को उत्पीड़न से बचाएंगे, पर्यटन के विकास के लिए 2500 करोड़ दिए जाएंगे, एक टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा, बैंकों में जमा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसे कई बजट के दौरान संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने जानकारी दी। इस बारे में जब हमने शहर के व्यापारियों से जानना चाहा, तो उन्होंने अपनी राय रखी। एनवीसीसी के व्यापारियों ने खास तौर पर इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, आइए डालते एक नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इन्होंने जिस प्रकार से यह बजट जो किया है, इसको देखते हुए शहर के नागरिक क्या चाहते हैं, शहर के व्यापारियों को ये कितने किस हद तक के ये जो बजट है कितने उनके कामकाज है या नहीं, ये तमाम बातें जानने के लिए इस समय में इनबिसल की टीम पहुंचे नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ पे तमाम अधिकारी पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एनबीसीसी के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल हमारे साथ में। संजय जी, बताएंगे जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण इन्होंने जो बजट पेश किया, क्या आप उससे संतुष्ट हो, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? एक संतुष्टि मिलती है जब उनको हमने सुना कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप आदिकाल से चली आ रही है और देश को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो उसके अंदर में व्यापारियों का साथ सहयोग यानी वेल्थ क्रिएटर्स का साथ सहयोग अनिवार्य है, उनको अच्छी नज़र से देखा जाना चाहिए और उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये सोच जो आज वित्त मंत्री जी ने दर्शाई है, ये एक्चुअल में कार्यान्वित होना चाहिए आगे आने वाले समय में, तो एक हर्ष का माहौल, एक भरोसे का माहौल और व्यापारी को एक हिम्मत मिलेंगी कि वो रिस्क लेके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। ये आपको लगता है कि जिस प्रकार से जीएसटी का जहां मसला आया, तो जीएसटी को लेके व्यापार और सरकार इनके बीच में हमेशा तूतूमय में और नोकझोंक दिखाई दी, क्या आप इस बात से संतुष्ट हो जीएसटी को बजट में जो बात कही कि निर्मला सीतारमण इन्होंने? जीएसटी के बारे में पहले जितने विवाद थे अब उतने नहीं हो रहे, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और आगे भी काफ़ी कुछ सुधार होगा ऐसा लगता है, और मुझे नहीं लगता कि जीएसटी में अभी व्यापारियों को कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। बैंकिंग सेक्टर की यदि बात की जाए तो उस समय में 1 लाख रुपए को मायना रखता था, लेकिन अभी 5 लाख रुपए आप रख सकते हो, इसके पर कोई ये नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये जो 5 लाख है अच्छे है, होना चाहिए और भविष्य के लिए मैंने व्यापार के लिए अच्छा होगा। जो बैंक में इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए किया है, 1 साल बढ़ाया है, अभी बताया 5 लाख लास्ट ईयर किया और बढ़ेंगे। इसमें जो एनपीए खाते हो रहे थे वो व्यापारी एनपीए खाते होने से बचेंगे, और जो प्रॉपर्टी उनकी जब्त हो रही थी, कुछ हो रही थी, जो प्राइवेट बैंक वाले बहुत तंग कर रहे थे, उससे रजिस्ट्रेशन कराना ही बेहतर रहेगा, ये मेरी व्यापार से अनुमति है। आमतौर पर यह देखा गया कि नागरिकों को ये जो बजट है ये उनके डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसे में एक व्यापारी के तौर पे आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि देश का नागरिक और व्यापारी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, ऐसा है कि सीतारमण ने जो कहा है कि देश के व्यापारी लोगों को पूरा डिटेल में उन्होंने अभी कहानी है, कुछ कुछ उन्होंने पत्ते भी ओपन नहीं करे हैं, तो मेरे ख्याल से तो व्यापारियों के हित में होगा है ये, और काफ़ी हद तक ये बजट ठीक रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इन्होंने जो रेट जो दिया, बैंकिंग रेट जो है 10 से 7.5 लाख रुपए का, 20% 25% 10% अलग अलग, इसमें क्या लगता है आपको? ये देखा गया है पिछले कुछ सालों से पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पे सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से ले लेती है कमावेश, इसी प्रकार कुछ इस बार भी हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अलग अलग स्लैब बनाए हैं, टैक्स के रेट कम करे हैं, लेकिन साथ में एक राइडर लगा दिया कि आप कोई डिडक्शन नहीं लेंगे,
तो ये वैसे ही हो गया, एक हाथ से लेना दूसरा, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, 15 लाख रुपए अगर कोई कमाता है इंडिविजुअल तो उसको 78,000 रुपये की बचत होगी सालाना। लेकिन वो 78,000 रुपये की बचत एक्चुअल होगी नहीं होगी ये हमारे को समझना पड़ेगा फाइन डिटेल्स के साथ में। अग्रवाल साहब, जिस प्रकार से ये कॉन्ट्राडिक्शन जो बड़ी है कि इसको लेके क्या कहना चाहोगे आप? कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो जैसे रेट के बारे में हो गया, बाकी अन्य जो बातों को लेके बजट में जिस प्रकार से जो प्रावधान दिए गए उसमें शुरू के दौर में और इस दौर में क्या आप कॉन्ट्राडिक्शन देखते हो, तफावतें क्या लगती है आपको? तफावतें यानी अब जैसे उन्होंने कहा है कि लगभग उन्होंने स्टडी करी है और पाया है कि तकरीबन 100 एग्जम्पशंस जो है दिए जाते थे और उसमें से 70 एग्जम्पशंस उन्होंने विड्रॉ कर ली है, बाकी 30 एग्जम्पशंस की वो रिव्यू करने वाले हैं। अब कौन से 70 हटा दिए हैं, क्यों हटा दिए हैं और वो क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे, उससे इकोनॉमी को देश को क्या बेनिफिट के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया था और उसको अब क्यों हटा दिए, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में कोई भी कमेंट करना यानी अंधेरे में तीर चलाने बराबर है। तो इस प्रकार से व्यापारी को यह कहना है कि ये भले ही उन्होंने निर्मला जो वित्त मंत्री जो हमारी केंद्रीय सीतारमण जो है इन्होंने जिस प्रकार से ये जो बजट पेश किया है, ये बजट कहीं ना कहीं जरूर दिखाया जरूर गया है मगर उसके पीछे में क्या है ये अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ये जो बात है साफ नहीं हुई है जिसके चलते अभी भी दुविधा बनी हुई है। आने के बाद ये लोग फिर से अपने सीए और अन्य लोगों से इसे इसके ऊपर में बातचीत करने वाले हैं और आखिरकार ये बजट किस प्रकार का होगा उसके बाद में ये लोग अपना जो स्टैंड लेने वाले हैं। हम यही कह सकते हैं कि पुरानी बोतल में नई जूस भरे जैसा ये कार्य और ये बजट दिखाई दे रहा है। एनवीसी से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, एनवीसी नागपुर।